चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे पाउली एक्सक्लूजन्स प्रिंसिपल के बारे में। पाउली ने क्या बताया इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम। मतलब किसी भी एटम में, कोई भी आपका एटम दिया गया, उस एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर हमारे सेम नहीं होंगे। अभी हम एक्सप्लेन कर बता रहे हैं। फिर सेकेंड होना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर टू विथ अपोजिट स्पिन। पाउली ने बताया किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। पाउली ने बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको ऊपर एरो क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज, दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिखा है विथ अपोजिट स्पिन। जैसे हम बात करें क्या है आपका करेक्ट है, नहीं, क्योंकि स्पिन क्या है, सेम है। क्या दोनों हमारे करेक्ट हैं, नहीं, क्योंकि स्पिन क्या है, सेम। तो पाउली ने पहला उन्होंने बताया कि कोई भी आपका एटम दिया गया है, उस एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, उनके चारों क्वांटम नंबर, चारों मतलब एन एल एम और एस, ए सेम नहीं होंगे। अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, और दोनों क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। क्लियर, अपोजिट मतलब एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान सुनना बच्चों। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब एक एक पॉइंट समझिएगा, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। मतलब आप ध्यान से, आपसे पूछा जाए, ध्यान सुना बच्चा, कौन से इलेक्ट्रॉन, बराहवा इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक एक पॉइंट को समझना, समझ में आ जाएगा। पाउली ये कहता है कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे सोडियम उन्होंने लिया, सोडियम के कौन से इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें 12 इलेक्ट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है चारों क्वांटम नंबर, तो चारों क्वांटम नंबर में कोई एक क्वांटम नंबर, मतलब कोई एक नंबर आपका डिफरेंट मिलेगा। अब एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि 12 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब पी, तो पी की बात करें, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3। पी के लिए यहाँ पे एल की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके यहाँ पे, सॉरी, एम की जो वैल्यू होती है -1, 0, +1, और जो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 13 इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन पूछा है, 12 इलेक्ट्रॉन पूछा है, बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले हम बात करते हैं 2p6 के बारे में। 2p6 किसके लिए पूछा गया, बराबर 12 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 12 के लिए आप पहले बना लीजिए, ऑर्बिटल होते हैं 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1, ये होता है। यहाँ सुनिएगा, किसके लिए पूछा गया, बराबर मतलब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए, 12 के लिए क्या होगा, देखिए 2, 2, 4, 4 हो गया, 5, 10 यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर का 10। यहाँ पे पूछा गया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3o7। अब आपसे पूछा गया सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन की बात करें, जिनके चारों क्वांटम नंबर में कोई एक नहीं, एक क्वांटम नंबर आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे बात करें 10 इलेक्ट्रॉन की बात करें, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हमारा ये हुआ।
क्लॉकवाइज को हमेशा प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चारों क्वांटम नंबर की बात करें, एन एल एम एस, किसके लिए पूछा? टेन के लिए पूछा है, टेन यहीं पे आएगा। तो टेन के लिए यहाँ पे टू लिखा गया, तो एन की वैल्यू क्या होगी? टू। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? वन। अब यहाँ पे समझना, किस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया? टेन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या यहाँ पे समझ, यहाँ तक फोर है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मतलब यहाँ पे आया टेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आया। एम की वैल्यू देखिए माइनस वन जीरो प्लस वन, एम की वैल्यू क्या होगा? प्लस हाँ वन होगा। टेन इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक वाइज है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस हाफ लिखेंगे। एक इसके लिए आपने निकाला, दसवें इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए यही हम बात करते हैं नाइन्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नाइन्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा चेक करिएगा। देखिए फोर्थ यहाँ पे है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब पहले चेक करिए इसके लिए एन एल एम एस, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन टू पी में ही आएगा, टू पी फाइव। तो यहाँ पे एन की वैल्यू होगी टू, पी के लिए एल की वैल्यू होगी वन। अब यहाँ पे चेक करिए, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो नाइन्थ यहाँ पे आया। और ये आपकी जो वैल्यू दी गई एम की वैल्यू, तो नाइन्थ के लिए एम की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो हो गया। क्लाक वाइज एंटी क्लाक, एंटी क्लाक वाइज देखो वन टू थ्री फोर फाइव, एंटी क्लाक वाइज मतलब क्या होगा? माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पे कहा गया गया नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम है ऑल द फोर क्वांटम नंबर सेम, मतलब किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे टेंथ इलेक्ट्रॉन नाइन्थ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एन की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू सेम है, स्पिन सेम है, लेकिन टेंथ के लिए एम की वैल्यू प्लस वन है और नाइन्थ के लिए एम की वैल्यू क्या है? जीरो है। चलिए बेटा अगर आपसे पूछे आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, यही हम बता दें आठवें इलेक्ट्रॉन, तो आठवां या एट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब क्या बोलेंगे? टू पी फोर, यही होगा, दो दो चार पाँच छः। अब बना लीजिए, ए एम की वैल्यू माइनस वन जीरो प्लस वन, किसके लिए पूछा गया है? आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, वन टू थ्री, ये होगा क्लियर है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ना। अब इसके लिए देखिए एन की वैल्यू क्या होगी? टू होगी, एल की वैल्यू क्या होगी? वन होगी, लेकिन एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन, और एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस हाफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ चेक करिए क्या चारों क्वांटम नंबर आपको सेम मिल रहे हैं? नहीं। अगर आप आठवें नौवें दसवें में देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिले, एन की वैल्यू सब में सेम है, एल की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे एम की वैल्यू माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे जीरो, बाकी एस की वैल्यू क्या है? सेम। तो पाउली यही कहता है कि किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उनके चारों क्वांटम नंबर आपको सेम नहीं मिलेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और कराते हैं। चलिए जैसे आपसे कहा जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 15, इसके लिए हमें निकालना है, ध्यान सुने बेटा, 13, 14 और 15 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर N, L, M, S। चलिए नाइट्रोजन ले ली, सॉरी फास्फोरस, यहाँ पर आप क्या होगा? फास्फोरस। बेटा अगर प्रीवियस लेक्चर में कहीं पे अगर डाउट है वहाँ पे फास्फोरस, यहाँ आपको होगा 15। चलिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, काउंट करिए 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15, ये यहाँ तक तो आपको हो गया 12, 13, 14, 15। यहाँ पूछा है 13, 14, 15 के चारों क्वांटम नंबर आपको बताने हैं। चलिए यदि आपसे 13 पूछा जाए, तो 13 के लिए क्या लिखेंगे?
3p1 14 के लिए क्या लिखेंगे, 3p2 15 के लिए क्या लिखेंगे, 3p3। यहाँ पर ऑर्बिटल बना लीजिए, पी ऑर्बिटल है तो पी के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, -1 0 +1। यहाँ पे बना लीजिए और यहाँ पे बना लीजिए, -1 0 +1 -1 0 +1। 13 के लिए देखिए 2 2 4 10 12, 13 यहाँ पे आएगा। 14 के लिए 13 14, 15 के लिए 13 14 15। अब हम बात करते हैं चारों क्वांटम नंबर, इसी तरह यहाँ पे एन एल एम एस, यहाँ पे देख लीजिए एन एल एम एस, इसका चेक करिए एन एल एम एस। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 13 के लिए, 3p1 13 क्या होगा बेटा, 3p1 होगा क्योंकि यहाँ पर 12 होगा। 13 पी में पी के लिए एम की वैल्यू -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1। तो पहले एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3, पी के लिए एल की वैल्यू हमेशा फिक्स होगा 1, एम की वैल्यू निकालना है। 13 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, एम की वैल्यू -1, क्लाक वाइज है तो +1/2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आ जाइए 12 के बारे में, 14 के बारे में। तो 13 14 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो सबसे पहले एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 है, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1 क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू देखिए 14 कहाँ गया है, 0 में, यहाँ पे 0, क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज +1/2 हो जाएगा। चलिए 15 के लिए आ जाइए, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 3, एल की वैल्यू आपका 1 होगा, एम की वैल्यू -1 0 +1, यहाँ पे +1 होगा, क्लाक वाइज है तो क्या हो जाएगा, 1/2। आप चेक करिए एन की वैल्यू एल की वैल्यू एस की वैल्यू तीनों में सेम है, लेकिन 13 में एम की वैल्यू -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1। तो आप कोई दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, चारों क्वांटम नंबर आपको सेम नहीं मिलेंगे। ये हमारा बताया गया था पाउली ने बताया किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर आपके सेम नहीं होते। तो ओके बच्चों, पाउली आज आपका कंप्लीट होता है, तो आज की इतना ही, थैंक यू।